ना कि कौन तो आज आप आगरा दौरे पर हैं सर, आज भी जिला अस्पताल, तहसील और विकास भवन तीनों जगह पहुंचे, क्या कुछ कार्रवाई रही सर? इस दो दिन के भ्रमण में जो प्रमुख बातें संज्ञान में आई हैं उसमें प्रमुख रूप से चार पांच चीज़ें कही गई हैं जिसका कंप्लायंस होना चाहिए। राजस्व और पुलिस की जो जॉइंट एक्शन की बात है जिसमें गांव देहात में ज़मीनी झगड़े हैं या इस टाइप की और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, होता क्या है कि तहसील थाने पर और थाना तहसील के बीच में फुटबॉल होता है, अपेक्षा ये की गई है कि दोनों मिलकर के इस समस्या का समाधान करें ताकि जनता का दोबारा थाने पे या तहसील पे आने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी चीज़ जो देखने को मिली है कि बहुत से निर्माण कार्य जो यहाँ चल रहे हैं उसमें निर्माण कार्यों में पैसा पूरा रिलीज्ड है लेकिन काम समय से पूरा नहीं हो रहा है। उन एजेंसीज़ को भी कहा गया है कि समय समय पर अगर कोई दिक्कत है तो जिलाधिकारी के संज्ञान में लाएँ, अन्यथा समयबद्ध तरीके से उन कार्यों को पूरा कराएँ। तीसरी बात जो यहाँ पर देखने को मिली, जिला चिकित्सालय में मैं गया था, जो व्यवस्थाएं वहाँ बनाई तो गई हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे थोड़ा सा और प्रयास की आवश्यकता है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन सप्लाई का सिस्टम है सेंट्रलाइज्ड, वो पिछले 3 साल से बंद पड़ा हुआ है। सिलेंडर्स अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, मिलते हैं लोगों को, लेकिन जो केंद्रीकृत व्यवस्था थी ऑक्सीजन सप्लाई की वो 3 साल से बंद है, वो ठीक कराने की ज़रूरत है। कुछ निर्माण कार्य ओपीडी का जो वहाँ चल रहा है, पैक्सफेड इसको बना रहा है, उनसे कहा गया है कि इसको 2 महीने के अंदर हर हालत में पूरा करके हैंडओवर करें। नई बिल्डिंग में ओपीडी जब शिफ्ट हो जाएगी तो बाकी चीज़ें भी और वहाँ जो निर्माण होने हैं वो पूरे कराए जाएंगे। इसी तरह से और भी तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी आपका बरहन के पास जो आरओबी बना है वो लगभग पूरा हो गया है, ये भी काफ़ी समय से उलझा हुआ था। पिछले 2-3 महीनों में मेहनत करके रेलवे के साथ कुछ इश्यूज थे उसको तय करा करके अब वो लोकार्पण की स्थिति में आ गया है। 1-1.5 हफ्ते 10 दिन के अंदर उसका भी लोकार्पण हो जाएगा।